हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी नई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मौसम अभी फ़िलहाल ठीक ही हो रहा है। सुबह बारिश लगी थी, रात भर बारिश थी। कल आपको दिखाती हूँ इधर का मौसम। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। सब रोपाई लगा रहे हैं, खेतों में सब पानी भर रखा है। आधी रुपाई लग चुकी है, बस थोड़ी बहुत ही बच रखी है। अब मैं अपना काम करती हूँ। मैंने नाश्ता पानी बना दिया और अब झाड़ू पोछा लगाती हूँ। और मैंने कपड़े धोने के लिए लगा रखे हैं, इधर मशीन लगा रखी है। पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोती हूँ। मैं लगाने लग गई अब पोछा, फिर मुझे कपड़े धोने हैं। मशीन में मैंने कपड़े डाल रखे हैं, कपड़े धोती हूँ। मेरी सफाई हो चुकी है, अब मुझे नहाना है और कपड़े धोने हैं। गाय लोगों को पानी देना है, अभी बहुत काम है। वैसे मम्मी लोग घर में भी नहीं है तो मेरी बहुत आफत आ रही है। अब कपड़े धोती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। बने रहना मेरे चैनल पर, दिखाती हूँ आपको। में होने वाली है, अब होगी उमस। अभी इतने हो रहे हैं कपड़े डालने, ये वाली भी धूप में डालती हूँ। मम्मी लोग आ गए थे वहाँ से और हमारे लिए कुछ लेके आते हैं, दिखाती हूँ आपके लिए क्या लाए हैं। ये लेके आए हैं पहाड़ी पूनम। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। हम सो के उठ गए हैं, हम बना रहे चाय। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, उमस हो रही है। उमस चाय पीते भी गाय पछ का काम है, उनको ताला देना है, फिर दूध वो निकालती हूँ। मम्मी और पापा को दिखाती हूँ, फिर मैं भी मेरा सब काम फ्रीज। मैंने सब्जी भी खा दी, आटा भी गूंथ के रख दिया, गाय का दूध भी निकाल दिया। बस गाय को अंदर ही बांधना है और सब काम हो चुका है। अभी मैं बैगों के लिए दूध उबाल लूँ, फिर भूनती हूँ मक्के। मेरे को ये बगल वाली आंटी ने दी थी, बस दो मक्के मिले थे, उन्होंने खाने के लिए दे रखे हमें। इनको भूनती हूँ गैस पर, अभी चूल्हे पर तो नहीं भूनती हूँ। चूल्हे पर अभी गर्म होगा, सुबह जलता है हमारा चूल्हा दाला बनाने के लिए, तो अभी नहीं तो जला रही, अभी मैं गैस में ही भरती हूँ इनको। गैस में होती तो उन्हें स्वाद नहीं, पर क्या करूँ अभी गैस में भून लेती हूँ। कल दिए थे फिर अच्छे नहीं होते ना बात के, तो मैंने बोला गैस में भून लेती हूँ।
शाम का मौसम देखो, बस बारिश होने वाली है, खूब सारे बादल लग रखे हैं, बारिश आने वाली है। यहाँ पे आंटी ने सारी चरी बो रखी है। ये हमारे कद्दू के पेड़, इसमें कद्दू लगे हैं, बोल रहे थे पता नहीं कहाँ लगे हैं, मुझे तो दिख नहीं रही है। अब मैं जानवर गोठ में बात हूँ, इनका सानी वानी सब कर रखी है मैंने, बस गोठ में ही बात है।